ओके हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर फिजिक्स लेक्चर। एज वी नो वी वर स्टडिंग चैप्टर मशीन चैप्टर। ठीक है, मशीन चैप्टर में हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा था जहाँ पे हमने लीवर सिस्टम का स्टडी किया था। लीवर सिस्टम में हमने स्टडी किया था प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, दैट वाज एंटी क्लॉक वाइज मूवमेंट इक्वल्स टू क्लॉक वाइज मूवमेंट। ठीक है, उसके बाद जो सेकेंड सिस्टम था, सेकेंड सिस्टम हमने शुरू किया था, दैट वाज पुली सिस्टम। आपने प्रीवियस वीडियो से गो थ्रू किया होगा जहाँ पे हमने पुली सिस्टम प्रीवियस लास्ट टू वीडियोस, अगर हम प्रीवियस वीडियो के बारे में बात करते हैं तो लास्ट टू वीडियोस के बारे में आपने स्टडी किया होगा, आपने देखा होगा। उस लास्ट टू वीडियोस में हमने पुली सिस्टम का स्टडी किया है। सबसे जो प्रीवियस टू प्रीवियस वन था उस केस में हमने वहाँ पे हमने स्टडी किया था पुली सिस्टम ऑफ सिंगल फिक्स पुली एंड सिंगल मूवेबल पुली। ठीक है, सिंगल फिक्स पुली एंड सिंगल मूवेबल पुली का हमने स्टडी किया था, जिसमें हमने एक पैटर्न देखा था। सिंगल फिक्स पुली क्या होता है, उसका मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो और एफिशिएंसी के बारे में स्टडी किया था। इसके बाद हमने सिंगल मूवेबल पुली को सिंगल फिक्स पुली के साथ कनेक्ट किया था। रीजन क्या था, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। व्हाट वाज द रीजन फॉर द अटैचमेंट ऑफ अ फिक्स पुली विद रिगार्डिंग टू द मूवेबल पुली, द ओनली रीजन वाज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट सो दैट एफर्ट कैन बी इजीली अप्लाइड टू द सिस्टम या फिर टू द मशीन। क्लियरली, ठीक है, यही हमारा एक कंसर्न था पर्टिकुलर सिस्टम को लेके। चलो ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा कि सर सिंगल क्या सिर्फ सिंगल फिक्स पुली और सिंगल मूवेबल पुली होती है। द आंसर वॉज नो, वी हैव स्टडीड अबाउट द कॉम्बिनेशन मल्टीपल पुलीज। ठीक है, मल्टीपल पुलीज में हम आते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ पुलीज में। सबसे पहला जो कॉम्बिनेशन ऑफ पुली हमने लास्ट वीडियो में देखा था, दैट वॉज क्या था, एक फिक्स पुली एंड डिफरेंट मूवेबल पुली, यही था हमारा फर्स्ट कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन ऑफ पुली में हमने जो फर्स्ट पार्ट देखा था, दैट वॉज वन फिक्स पुली एंड ऑल द रिमेनिंग पुलीज वर कंप्लीटली मूवेबल पुली। ओके, विच और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, ऑल पुलीज वर कनेक्टेड टू द रिजिड सर्फेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल पुलीज वर कनेक्टेड टू द रिजिड सर्फेस। अब इन पर्टिकुलर पुलीज सिस्टम का हमने जो कॉम्बिनेशन हमने अभी जो स्टडी किया या फिर बताया है, इसी कॉम्बिनेशन का हमने मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो और एफिशिएंसी का फॉर्मूला डिराइव किया था। तो व्हाट वाज मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो, इफ यू रिमेंबर मैकेनिकल एडवांटेज फॉर दैट वाज मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 2 टू द पावर n, व्हेयर वेलोसिटी रेशियो वाज 2 टू द पावर n। What was n over there? N was the number of pulley, number of movable pulley to be prescribed. It was number of movable pulley. N was number of movable pulley. Okay. By using this formula of mechanical advantage, velocity ratio, that is 2 to the power n, and velocity ratio also 2 to the power n, we can find we can find mechanical advantage, velocity ratio of different pulley system. In which one was fixed and remaining were movable and all were attached to the fixed surface. Okay, so this was the system of the first combination, which was very important. Okay, to know the another pattern. ओके, जो पहला पैटर्न है वो हमें पता होना चाहिए, तभी हम जाके सेकंड पैटर्न जो होता है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, इफ यू हैवंट सीन दिस पर्टिकुलर सेक्शन यू शुड विजिट द लास्ट वीडियो, यू विल गेट ऑन द चैनल। ओके, यू विल गेट द वीडियोस दैट वन फिक्स एंड अदर मूवेबल पुली सिस्टम। ओके, इन विच यू वी हैव फाइंड मैकेनिकल एलिमेंट, वेलोसिटी रेशियो इन डिफरेंट वे। ओके, तो होप सो आई एम क्लियर विद द फर्स्ट पैटर्न। ओके, सो वी हैव क्लियर विद द फर्स्ट पैटर्न ऑफ द कॉम्बिनेशन सिस्टम। Now let us see the next pattern. Okay, now let us see the next pattern, very much important regarding our syllabus effort or examination point of view से। ठीक है, examination point of view से बहुत बहुत ज़्यादा important है ये। कुछ इस तरीके से आपने system देख रहे हो, अगर पुलिस सिस्टम, there are four different types, four pulleys which are attached to each other. Okay, now What is the important point in this? Sir, क्या ये सिस्टम में डिफरेंस दिखाई दे रहा है आपको? Yes or no? अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, अब ऐसे सिस्टम को कहते हैं ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। इसे हम क्या कहते हैं, ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। दिस इज द वे हाउ ब्लॉक एंड टैकल पुली सिस्टम लुक्स लाइक। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, सो प्लीज गो थ्रू दिस वीडियो मल्टीपल टाइम्स, मेक योर कंसेप्चुअल क्लैरिटी वेरी वेरी वेल, सो दैट the question regarding this, because it is so important that
The remaining part of your you have noticed that remaining part of your syllabus has been curtailed due to this COVID section. Okay, so the only numerical remaining in this chapter, or you can say the machine chapter, that is block and tackle system. Okay, so actually we will see what is, first of all we will see in detail what is block and tackle system, and after that I will derive some formula that is like mechanical advantage velocity ratio for you. Okay, so what is in the system, you two blocks of pulley are used. One is upper block, and you can see there is an upper block system and lower block system. Okay, upper block system is completely fixed to the rigid surface, you can see over there, and the lower part is movable. This pattern is called as block and tackle system. Block and tackle, you can see there are two different parts. This is first part, let us name pulley A and B. This is C and D. Okay, you can see pulley A and pulley B system is completely attached to the rigid surface. Okay, this is completely attached to the rigid surface by this vertical strip, whereas you can see pulley C and pulley D is not attached to any rigid surface. It is not attached to the any rigid surface. Very important point. Okay, because the जो previous combination हमने study किया था, जहाँ पे हमने single there was one fixed pulley and other movable pulley. ओके, और उस पर्टिकुलर सिस्टम में आपने नोटिस किया था कि सभी जो पुली सिस्टम थे वो एक रिजिड सरफेस से अटैच थे, सभी पुली सिस्टम रिजिड सरफेस अटैच थे. बट इन दिस केस यू कैन सी ओनली अपर सेक्शन ये टू टू हाफ में डिवाइड है, अपर ब्लॉक एंड लोअर ब्लॉक. अपर ब्लॉक में आपको ए और बी मिलेगा, लोअर ब्लॉक में आपको सी ए डी पुली मिलेगा. आप देख सकते हैं जो अपर ब्लॉक है वो रिजिड सरफेस से फिक्स्ड है, वेयरएज जो लोअर ब्लॉक है वो रिजिड सरफेस से फिक्स नहीं है. ठीक है, रिजिड सरफेस से फिक्स नहीं है, वो कहीं ना कहीं स्ट्रिंग से अटैच्ड है. ओके, इतना सेटअप क्लियर है आपको, सेटअप ऑफ द पुली क्लियर है. ओके, नंबर ऑफ पुली यूज्ड इन द मूवेबल लोअर ब्लॉक इज इधर इक्वल टू और वन लेस देन द नंबर ऑफ पुली इन फिक्स्ड अपर ब्लॉक. ओके, अब यहाँ पे आपको दो कॉम्बिनेशन हमेशा दिखाई देगा, एक चीज याद रखना है, हमेशा दो कॉम्बिनेशन आपको दिखाई देगा. द नंबर ऑफ पुली सिस्टम यूज इन द लोअर ब्लॉक, दिस इज योर लोअर ब्लॉक. ओके, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, कि लोअर ब्लॉक में जो पुली सिस्टम होता है, लोअर ब्लॉक में जितने पुली आपको दिखाई देंगे, दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू द अपर ब्लॉक और वन लेस देन द अपर ब्लॉक. इट कैन नॉट बी अ ग्रेटर देन. ओके, ग्रेटर देन नहीं हो सकता है. तो नंबर ऑफ पुली इन अ लोअर ब्लॉक कैन बी इक्वल टू द अपर ब्लॉक सिस्टम. ओके, और इट विल बी लेस देन वन. मतलब अगर यहाँ पे इफ आई ड्रॉ रफ डायग्राम, ठीक है, रफ डायग्राम बनाते हैं, दिस इज वन, दिस इज टू एंड दिस इज थ्री. इफ आई एम सेइंग दिस इज अपर ब्लॉक सेक्शन, ठीक है, ये अपर ब्लॉक सेक्शन है, तो अगर हम लोअर ब्लॉक सेक्शन के बारे में बात करते हैं, दैट कैन बी इक्वल, दैट इज टू और टू. दिस यू कैन सी, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इक्वल सेक्शन है, अपर में टू है, नीचे में टू है, या फिर एक लेस, मतलब यहाँ पे भी टू रहेगा. ठीक है, दिस इज योर लोअर ब्लॉक, यहाँ पे भी थ्री हो सकता है, मैक्सिमम इट कैन बी थ्री, बट इट कैन नॉट बी फोर. फोर नहीं रहेगा, क्यों नहीं रख सकता फोर, बिकॉज ये रूल कहता है कि जो लोअर ब्लॉक सिस्टम है उसमें जो नंबर ऑफ पुली है, इट कैन बी इधर इक्वल टू द अपर ब्लॉक, इक्वल टू द अपर ब्लॉक और वन लेस, मतलब इट कैन बी टू, वन लेस, थ्री से कम करेंगे टू, इट कैन बी टू और इट कैन बी थ्री, इट कैन नॉट बी फोर. ठीक है, तो सिस्टम याद रखोगे, जब भी आप पुली सिस्टम ड्रॉ करोगे, जब भी आप ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम का पुली सिस्टम ड्रॉ करोगे, तो चीज ध्यान रखना है, अपर ब्लॉक और लोअर ब्लॉक में इट कैन बी द पुली यू आर ड्रॉइंग, या फिर पुली जो आप सिस्टम बना रहे हो, इट कैन बी द सेम और वन लेस देन द अपर ब्लॉक. ओके, हमेशा याद रखना है, इसे ज्यादा मत बना देना अपर लोअर ब्लॉक में. क्लियर है इतना? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं. ओके, बाकी रिमेनिंग है कि यहाँ पे सब फिर जो चीजें अप्लाइड है नॉर्मल है, कि जो स्ट्रिंग्स है, स्ट्रिंग कैसा है, स्ट्रिंग वेटलेस होगा, वेटलेस कंडीशन में स्ट्रिंग कंसीडर करेंगे हम, कि जो स्ट्रिंग है वो वेटलेस है, और ये सारी चीजें हम कंसीडर करते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे लोड अप्लाई होगा, सिंपल सी बात है, आप देख सकते हो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लोड अप्लाइड है, ये लोड है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, एफर्ट अप्लाई होगा, दिस इज योर एफर्ट. क्लियर है?
एफर्ट है। अब जैसे कि हम हमेशा पुली सिस्टम में बनाते हैं, दैट इज टेंशन डेवलप होता है सर। स्ट्रिंग के बारे में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे टेंशन डेवलप होगा, ठीक है। ओके, तो टेंशन बनाते देखते हैं किस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में किस तरफ का टेंशन जनरेट हो रहा है। ओके, सबसे पहले एफर्ट से शुरू करते हैं। एफर्ट डाउनवर्ड, टेंशन क्या रहेगा? अपवर्ड। एफर्ट डाउनवर्ड, टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये बन गया एफर्ट, टेंशन आपको, सॉरी, ये क्लियर है? एफर्ट अगर डाउनवर्ड है तो टेंशन अपवर्ड रहेगा, है ना? इतना चीज़ क्लियर है। ओके, अब आते हैं सबसे बॉटम बॉटम वाले पुली सिस्टम है, दैट इज पुली सिस्टम डी। डी में आते हैं, डी में क्या है? लोड लगा है। ये लोड कौन से दो स्ट्रिंग कैरी कर रहा है? ये दो स्ट्रिंग कैरी कर रहा है, लेफ्ट राइट। और तो क्या होगा सर, इसमें लोड डाउनवर्ड है तो टेंशन अपवर्ड, इस केस में भी टेंशन अपवर्ड। यह मिटा दें लोअर ब्लॉक एंड अपर ब्लॉक, ये क्लियर है आपको? ठीक है, लोअर ब्लॉक और अपर ब्लॉक का हम सिस्टम को मिटा रहे हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज। ये चीजें क्लियर समझ में आ गया सर? लोड डाउनवर्ड डायरेक्शन में लोड जो है वो दो स्ट्रिंग पर अटैच है, लेफ्ट और राइट में, तो दोनों स्ट्रिंग का जो टेंशन रहेगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। इतना चीजें क्लियर है? ओके, अब ये चीज समझिए, ये जो सी है, सी पुली बी पुली के साथ कैसे अटैच है? किसी रिजिड सपोर्ट से अटैच है? तो आंसर इज नो। पुली सिस्टम सी इज अटैच विद द पुली सिस्टम बी बाय टू स्ट्रिंग। यू कैन सी टू स्ट्रिंग, एक वर्टिकल एक इंक्लाइंड, ठीक है। इसका मतलब ये लोड जब डाउनवर्ड डायरेक्शन जाएगा तो डी का भी डाउनवर्ड डायरेक्शन रहेगा, सी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर रहेगा तो इस पर टेंशन क्या आएगा? अपवर्ड। टी दिस इज एंड दिस इज अपवर्ड, क्लियर है? अब देख सकते हो कि टेंशन जो है वो कंप्लीटली ऊपर की तरफ आ रहा है हर एक स्ट्रिंग में। यहां तक चीजें क्लियर है? ओके, यहां तक सब चीजें क्लियर हो गई। अब हम बनाते हैं यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो और एफिशिएंसी का फॉर्मूला जनरेट करेंगे, ठीक है। ओके, अब हम मैकेनिकल एडवांटेज बनाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एफर्ट का। एफर्ट क्या रहेगा? एफर्ट विल बी इक्वल टू टी, यस और नो? ये सिस्टम क्लियर है? एफर्ट इक्वल टू टी, ये तो बन गया। ओके, अब जो लोड है, लोड किसने बैलेंस किया है? देखिए लोड कितने लोगों ने बैलेंस किया है ये देखते हैं। एफर्ट इक्वल टू टी बन गया। लोड इज बैलेंस बाय हाउ मेनी टेंशन? वन टू थ्री फोर और फाइव। लोड इज बैलेंस बाय फाइव टेंशन, यस और नो? लोड इज बैलेंस बाय द फाइव टेंशन, फाइव नहीं रहेगा, सॉरी फोर रहेगा। ये टेंशन तो एफर्ट को बैलेंस कर गया तो फोर रहेगा, सॉरी सॉरी फोर, ठीक है। ये क्या बन गया? फोर बन गया, वन टू थ्री फोर। तो लोड इज बैलेंस बाय द फोर स्ट्रिंग, या फिर फोर टाइप ऑफ टेंशन हम कह सकते हैं। जो फिफ्थ वन है उसे तो अपने एफर्ट से बैलेंस करवा दिया। ओके, यहां तक चीजें क्लियर है? हाँ, है ना? अब मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? लोड अपॉन एफर्ट। मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट होता है। लोड इज 40, एफर्ट इज टी, टी से टी कैंसल आउट, तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या आ गया? फोर। मैकेनिकल एडवांटेज क्या आ गया? फोर आ गया। सिंपल है, क्लियर है यहां तक? मैकेनिकल एडवांटेज क्या आ गया? फोर आ गया। ध्यान देना है क्वेश्चन पे, यहां से हम एक चीज डेवलप एक कंसेप्ट बनाने वाले हैं, ठीक है। अब आते हैं वेलोसिटी रेशियो पे। वेलोसिटी क्या रेशियो क्या रहेगा? वेलोसिटी रेशियो विल बी डिस्टेंस ट्रेवल बाय एफर्ट अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल बाय लोड, यस और नो? डिस्टेंस ट्रेवल बाय द एफर्ट अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लोड। भाई लोड कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? लेट अस कंसीडर कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लोड इज, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लोड इज डी। लेट अस कंसीडर डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लोड इज डी। भाई लोड ने डी डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। लोड ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? डी डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। अब एफर्ट के बारे में हम बात करें सर, एफर्ट कितना ट्रेवल करेगा? एफर्ट सर जितना ज्यादा स्प्रिंग आप इस्तेमाल करोगे उतना ज्यादा एफर्ट। देखिए कैसे एफर्ट को हम इस तरफ से खींच रहे, तो एफर्ट ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? ये स्प्रिंग ट्रेवल करेगी, फिर इसके बाद ये वाली स्प्रिंग, सेकंड स्प्रिंग ट्रेवल करेगी, फिर थर्ड स्प्रिंग ट्रेवल करेगी, फोर्थ स्प्रिंग ट्रेवल करेगी और फिफ्थ स्प्रिंग ट्रेवल करेगी। मतलब फाइव डिफरेंट स्प्रिंग है जो यहां से लोड ट्रेवल करने वाला है, यस और नो? पर फाइव एक्चुअली नहीं करेगा। देखिए ये यहाँ पे फिक्स है, ये जो स्प्रिंग है वो यहाँ पे फिक्स्ड है, देख सकते हो हुक में फिक्स्ड है, मतलब ये स्ट्रिंग से ट्रेवल नहीं होगा। तो कितना बचा? वन टू थ्री और फोर। तो यहां पे बचा
लेट अस से एन टाइम्स ऑफ डिस्टेंस, लेट अस से एन टाइम्स ऑफ डिस्टेंस, भाई जितना नंबर ऑफ सिस्टम रहेगा उतना ज्यादा ट्रैवल करेगा, जितना नंबर ऑफ सिस्टम रहेगा उतना ट्रैवल करेगा, ठीक है। डी से डी कैंसिल आउट तो वेलोसिटी रेशियो क्या बन जाएगा, एन। वेलोसिटी रेशियो क्या बन जाएगा, एन बन जाएगा। हाँ है ना, पर व्हाट इज एन भाई, व्हाट इज एन, एन क्या है, एन नंबर ऑफ पुली है सर। व्हाट इज एन, एन इज नंबर ऑफ पुली। अब देख सकते हो यहां पे कोई फिक्स्ड और मूवेबल पुली के बारे में बात नहीं हो रही है, यहां पे कोई भी फिक्स्ड या फिर मूवेबल पुली के बारे में हम डिस्कस नहीं करें। तो एन क्या है, एन इज अ सिस्टम, एन नंबर ऑफ पुली, द लोड मूव्स अप थ्रू अ डिस्टेंस डी, मतलब यहाँ पे जो एन रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ पुली के बारे में हम बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे कंप्लीटली पुली के बारे में बात करेंगे हम, ठीक है। चीजें क्लियर है, व्हाट इज एन, तो एन इज नंबर ऑफ पुली। क्लियर है यहाँ तक, व्हाट इज एन, एन इज नंबर ऑफ पुली। आप देख सकते हो यहाँ पे कोई फिक्स या फिर मूवेबल के बारे में बात नहीं होगी। जो पहला कॉम्बिनेशन था उस केस में एन क्या था, द फर्स्ट कॉम्बिनेशन एन वॉज नंबर ऑफ पुली सिस्टम, नंबर ऑफ पुलीज विच आर मूवेबल, विच आर मूवेबल, पर इन दिस केस एन इज जस्ट नंबर ऑफ पुली, मतलब एन कितना है यहाँ पे, वी विल काउंट 1 2 3 4, भाई ना 4 पुलीज है, व्हाट विल वेलोसिटी रेशियो ऑफ दिस पुली सिस्टम, इट विल बी 4। क्लियर है, ओके। अब हम मैकेनिकल एडवांटेज पे ध्यान देते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज पे ध्यान देते हैं। अब हम एक सिस्टम बनाते हैं जिसमें 5 पुली का होगा, लेट अस कंसीडर, आई विल ड्रॉ रफ डायग्राम, ठीक है, बहुत रफ बना रहा हूँ, ध्यान देखिए, दिस इज फिक्स्ड वन, 1 2 3, ओके, ठीक कुछ इस तरीके से हमने सिस्टम को ड्रॉ कर दिया, बनाते हैं। इस सिस्टम को अटैच करते हैं, दिस 1, ये बन जाएगा यहाँ पे 2, कुछ इस तरीके से, ये बन गया यहाँ पे, हाँ ये बन गया यहाँ पे कुछ, कुछ गड़बड़ हो गई, कोई सिस्टम, कुछ इस तरीके से आपका पुलिस स्टेशन से कुछ गलत हो गया है, 1 मिनट। नहीं सही बना है, ठीक है, सही है। कुछ लेटर से ये रफ डायग्राम आप देख सकते हो, पूरे सिस्टम यहाँ पे 5 है, ठीक है, दिस इज योर अपर ब्लॉक सिस्टम, दिस इज योर लोअर ब्लॉक सिस्टम, ठीक है, इवन कि आपका अपर ब्लॉक, दिस इज योर लोअर ब्लॉक। अब अगर इस केस में मैकेनिकल एडवांटेज अगर कैलकुलेट करते हैं, इन दिस केस इफ यू टॉक अबाउट मैकेनिकल एडवांटेज, क्या बनेगा, ये टेंशन यहाँ पे लोड, ये बन गया स्प्रिंग में टेंशन, यहाँ पे इस तरफ टेंशन, ये एक टेंशन यहाँ पे टेंशन डेवलप होगा, इस तरफ टेंशन होगा, और ये, ठीक है, 1 2 3 4 5, ओके। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, लोड अपॉन एफर्ट, लोड इज बैलेंस बाय द 5 स्ट्रिंग, लोड इज बैलेंस बाय द 5 स्ट्रिंग एंड एफर्ट इज बैलेंस बाय अ सिंगल स्ट्रिंग, दैट इज अ टेंशन। और इन दिस केस इफ आई ड्रॉ मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा, लोड अपॉन एफर्ट, दैट इज 5t/t, टी से टी कैंसिल आउट, बचेगा 5। तो आप देख सकते हो मैकेनिकल एडवांटेज क्या आ गया, 5, मतलब अगर आप 5 ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हो, अगर आपके ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में 5 पुलीज है, तो आपका मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ गया, 5। अगर आपका ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में 4 पुलीज है, तो आपका मैकेनिकल एडवांटेज क्या आ गया, दैट इज 4। इसी क्या ऑब्जर्वेशन हम क्लियर करते हैं कि नंबर ऑफ, सर जितना नंबर ऑफ पुलीज है उतना ही नंबर ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज आ रहा है, इसका मतलब हम कह सकते हैं इन जनरल, इन जनरल हम कह सकते हैं दैट इज मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू एन, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू एन, यस और नो,
मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू एन, व्हाट इज एन, एन इज नंबर ऑफ पुली, व्हाट इज एन, एन इज अ नंबर ऑफ पुली, क्लियर है। ये फिफ्थ फाइव वाला जो है आप वो बहुत अच्छे से बनाओगे, ठीक है सर, रफ नहीं बनाओगे, जो फिफ्थ फाइव नंबर ऑफ पुलिस का सिस्टम आप ये सिस्टम ड्रॉ करोगे और बहुत सिस्टमेटिकली बनाओगे, ठीक है, ऐसा रफ नहीं बनाओगे, इट वॉज जस्ट फॉर एन एक्सप्लेनेशन सिस्टम, आप इसको क्लियरली बहुत अच्छे तरीके से नोट्स में बनाओगे। देखिए तो ऑब्जर्व किया हमने कि जितना सर ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में रहेगा, जितना पुलिस रहेगा उतना उसका पर्टिकुलर मैकेनिकल एडवांटेज बनता है, मतलब अगर फोर नंबर ऑफ पुलिस है ब्लॉक एंड टैकल में तो मैकेनिकल एडवांटेज विल बी फोर। वेलोसिटी रेशियो निकालना है तो भी सर एन, मतलब एन क्या रहेगा, नंबर ऑफ पुली सिस्टम, क्लियर है यहाँ तक सभी को, क्लियर है, बहुत आसान था। ओके तो दो से तीन चीज हमने यहाँ पे समझा कि क्या होता है ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में, सबसे पहले अपर ब्लॉक एंड लोअर ब्लॉक, अपर ब्लॉक सिस्टम में नंबर ऑफ पुलिस कैन बी इक्वल टू और ग्रेटर देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू लोअर ब्लॉक सिस्टम, इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपर ब्लॉक सिस्टम में नंबर ऑफ पुलिस, अपर ब्लॉक सिस्टम व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, नंबर ऑफ पुली विच इज डिनोटेड बाय एन, ओके, इन अपर ब्लॉक सिस्टम नंबर ऑफ पुली कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, देयर इज वन लेस देन, यू कैन से कुछ इस तरीके से, इक्वल टू हो सकता है या फिर प्लस वन से ग्रेटर हो सकता है, ठीक है, इक्वल टू हो सकता है फिर प्लस वन से ग्रेटर हो सकता है, ओके चीजें क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और साथ में यहाँ पे फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट मतलब कि नंबर, मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो, मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो फॉर द ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम इज द सेम एज द नंबर ऑफ पुली, जितना नंबर ऑफ पुली रहेगा उतना उसका ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो उसका बन जाएगा, क्लियर है। अब थर्ड कंसेप्ट पढ़ते हैं एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का फॉर्मूला सभी को पता है, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो, ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो आप निकालोगे तो इसका मैकेनिकल, इसका एफिशिएंसी बन जाएगा, एज आई ऑलवेज से कि एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन कैन नॉट बी 100%, ये सभी को पता है, ओके क्लियर है। अब एक छोटा सा हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे कहता है वेट का सिस्टम, ठीक है, वेट की कहानी, दैट इज इफेक्ट ऑफ वेट, इफेक्ट ऑफ वेट ऑन ऑफ पुली, इफेक्ट ऑफ वेट ऑफ पुली ऑन मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो एफिशिएंसी, हम बात कर रहे हैं इन तीनों पर्टिकुलर सिस्टम का कि इस लोड का क्या इफेक्ट होगा मैकेनिकल एडवांटेज में, वेलोसिटी रेशियो में एंड एफिशिएंसी में, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ अ लोड इन पर्टिकुलर मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो एंड एफिशिएंसी, हम इस पर्टिकुलर टॉपिक पे भी डिस्कशन करेंगे कि इफेक्ट ऑफ वेट ऑफ पुली। अब ये जैसे कि हम कह सकते हैं अभी जो पुली है ये तो मेटालिक पुली होगी, किसी ना किसी मटेरियल से बनाया, तो सिंपल सी बात है अगर इतना हैवी मटेरियल आप लिफ्ट करने के लिए कोई पुली सिस्टम को बना रहे हो तो ये जो पुली सिस्टम है दैट विल बी स्ट्रॉन्ग इनफ, दिस पुली सिस्टम आई एम टॉकिंग अबाउट मूवेबल पार्ट, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट लोअर सर्फेस, आई एम टॉकिंग अबाउट लोअर सिस्टम, लोअर ब्लॉक सिस्टम, इसके बारे में बात होगी सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में, लोअर ब्लॉक सिस्टम के बारे में, ठीक है। अब लोअर ब्लॉक सिस्टम किसी ना किसी मटेरियल से बनेगा, अगर किसी ना किसी मटेरियल से, इफ इट इज मेड बाय सम मटेरियल तो इट विल हैव वेट, इट विल हैव वेट, तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द वेट ऑफ दिस पुली, व्हाट इज आवर कंसर्न, व्हाट इज आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन, आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज दैट व्हाट विल बी दिस इफेक्ट, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन मैकेनिकल एडवांटेज, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन मैकेनिकल एडवांटेज velocity ratio as well as on efficiency if we consider the weight of this block system, which block system, that is lower block system, because this load is also carried by the lower block system, so for our concern or for our upper block system we can say that upper block system ke liye jo load hai wo kya rahega, it will be load plus the weight of this two pulley, weight of this pulley will be also included to lift the load by these two pulley system, yes or no, इतना चीज़ें समझ में आ रहा है, फिर से रिवाइज करके ये पर्टिकुलर वीडियो को देखना है पर से फिर से, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं, अगर ये हम अपर ब्लॉक सिस्टम के बारे में बात करते हैं, ये अपर ब्लॉक सिस्टम को क्या करना है, लोड को लिफ्ट करना है। अब इसे तो ये लोड लिफ्ट करना था जो हमने अप्लाई किया है, ठीक है, पर
अगर हम ये कह रहे हैं ये मूवेबल सिस्टम है और ये पर्टिकुलर किसी मटेरियल से बना है, तो अब इस पुली के लिए इन पर्टिकुलर वेट को भी कंसिडर अगर हम करते हैं, अगर हम वेट ऑफ पुली को कंसिडर करते हैं जो हमारे कंडीशन में, तो हम कंडीशन करते हैं, हम अप्लाई क्या करते हैं, हम कंसिडर क्या करते हैं कि वेट ऑफ पुली इज जीरो, ठीक है। इफ वी कंसिडर द वेट ऑफ दिस पुली, देन वॉट विल बी द इफेक्ट ऑन मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो एज वेल एज ऑन एफिशिएंसी ऑफ द पुली सिस्टम। नाउ दिस इज अ कंसर्न या फिर आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन। नाउ लेट अस सी कि कितना ज्यादा इफेक्ट इस पर्टिकुलर सिस्टम पर पड़ सकता है, ठीक है, कितना कम हमारा एफिशिएंसी कम होगा, ज्यादा होगा, मैकेनिकल एडवांटेज में इंक्रीमेंट होगा, डिक्रीमेंट होगा, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट। अब आपने नोट डाउन कर लिया व्हाट इज विल बी मैकेनिकल एडवांटेज, दैट इज NN एंड एफिशिएंसी, ओके, इंपॉर्टेंट ये नोट डाउन कर लो क्योंकि इसी को हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। ओके अब हम बात करते हैं, कंसीडर द सिस्टम ऑफ पुली एन एंड लेट अस से डब्ल्यू बी द टोटल वेट ऑफ द लोअर ब्लॉक सिस्टम। इफ आई एम सेइंग लेट अस कंसीडर द टोटल वेट ऑफ द लोअर ब्लॉक सिस्टम, लोअर ब्लॉक सिस्टम का अगर टोटल वेट, आई एम टॉकिंग अबाउट टोटल वेट ऑफ लोअर ब्लॉक सिस्टम, लेट अस कंसीडर इट इज डब्ल्यू, ठीक है, नंबर ऑफ पुली इज एन, नंबर ऑफ पुली इज एन, ओके, यहां तक चीजें क्लियर है। ओके इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एफर्ट, एफर्ट इज बैलेंस्ड बाय द टी, एफर्ट इज बैलेंस्ड बाय द टी, क्लियर है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट लोड, अब हम लोड और वेट के बारे में बात करें, लोड और वेट के बारे में, ठीक है। आपको याद होगा कि जो लोड था ये इस सिस्टम में, जो फोर पुली सिस्टम है, इन फर्स्ट केस वी हैव स्टडी दैट लोड वॉज फोर टाइम्स ऑफ टी, यस और नो, लोड वॉज फोर टाइम्स ऑफ टी, मतलब ये जो लोड था, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस लोड, ठीक है, एल, अगर हम लोड के बारे में बात करते हैं, लोड का हमने डिराइव किया था कि लोड वॉज कंप्लीटली बैलेंस बाय सर फोर्स टेंशन, दैट इज वॉज फर्स्ट टू वन टू थ्री फोर, चार टेंशन ने सर लोड को कैरी किया था। पर अगर हम कह रहे हैं इन दिस केस लोड प्लस वेट, इफ आई एम सेइंग लोड प्लस डब्ल्यू ऑफ दिस इज, ये किसने किसने कैरी किया है, ये किसने कैरी किया, बैलेंस किसने किया है, इट इज बैलेंस बाय एन इंटू टी, यस और नो, एन इंटू टी कहां से आया, आपने प्रीवियस प्रीवियस देखी है, अभी हमने डिराइव किया था, प्रीवियस हमने डिराइव किया था लोड, कि लोड जो होता है सर, एन क्या होगा, एन क्या है, नंबर ऑफ पुली या फिर नंबर ऑफ स्ट्रिंग सर, तो ये जो वेट रहेगा ये तो वही बैलेंस करेगा जितना नंबर ऑफ पुली सिस्टम रहेगा, एन इंटू टाइम्स ऑफ टी, हाँ है ना, इतना चीजें क्लियर है। ओके तो अगर हम यहां से लोड कर बनाते हैं इक्वेशन, इफ अगर हम सिर्फ एल के बारे में बात करें, एल क्या हो जाएगा, एन इंटू टी माइनस डब्ल्यू, एन इंटू टी माइनस डब्ल्यू हो जाएगा एन, एल क्या हो जाएगा, एन इंटू टी माइनस डब्ल्यू, ठीक है, हम धीरे धीरे जा रहे हैं, देखना है। ओके नाउ फ्रॉम द इक्वेशन वन यू कैन सी टी मतलब एफर्ट है, टी का मतलब क्या एफर्ट है, तो यहां पे लोड आई कैन से एन इंटू एफर्ट माइनस डब्ल्यू, क्या हम ऐसा कह सकते हैं, इट इज रिप्लेस्ड फ्रॉम इक्वेशन वन, इतना चीजें क्लियर है। ओके अब यहां पर हमने डिराइव कर लिया इक्वेशन, लेट अस से इस इक्वेशन को बनाते इक्वेशन नंबर टू, ठीक है, इस इक्वेशन को बनाते इक्वेशन नंबर टू। अब हम मैकेनिकल एडवांटेज देखते हैं कि अगर हम मैकेनिकल एडवांटेज कैलकुलेट करते हैं तो क्या बनेगा, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट, ध्यान से देखना है, मैकेनिकल एडवांटेज के लोड अपॉन एफर्ट, यहाँ पे हम कुछ कैलकुलेशन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, बहुत ध्यान से देखना है। लोड क्या है, लोड कैन बी रिटन एज एन इंटू ई माइनस डब्ल्यू, एफर्ट, एफर्ट को हम रिप्लेस करते ई के साथ, ई विल बी एफर्ट एज इट इज, हाँ यार इतना क्लियर है। ओके अब हम डिनोमिनेटर को स्प्लिट करने वाले हैं, डिनोमिनेटर को हम स्प्लिट करने वाले हैं, ठीक है, तो कैसे, ध्यान दीजिए, एन इंटू ई
डिवाइड बाई ई माइनस डब्ल्यू बाई ई, कैन आई राइट लाइक दिस? कॉमन डिनोमिनेटर तो स्प्लिट कर सकते हैं, इफ यू हैव अ कॉमन डिनोमिनेटर फॉर अ न्यूमरेटर, अगर दो न्यूमरेटर है जहाँ पे एडिशन और सब्सट्रैक्शन का साइन बीच में और एक डिनोमिनेटर कॉमन है, तो हम इसे स्प्लिट कर सकते हैं, मैथ्स का रूल कहता है. ओके तो अब देखिए, ई से ई कैंसिल आउट, तो रिमेनिंग पार्ट क्या रहेगा? रिमेनिंग पार्ट क्या बन जाएगा? दैट इज मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू एन माइनस डब्ल्यू अपॉन ई What is mechanical advantage? अब इस केस में देखो क्या हुआ, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू एन माइनस डब्ल्यू अपॉन ई, एंड व्हाट वाज एन? एन वाज नंबर ऑफ पुली. व्हाट इज एन? नंबर ऑफ पुली माइनस डब्ल्यू अपॉन ई. डब्ल्यू क्या रहेगा? डब्ल्यू रहेगा एन डब्ल्यू अपॉन ई. डब्ल्यू क्या है? वेट ऑफ सर लोअर ब्लॉक सिस्टम अपॉन एफर्ट. मतलब ये तो चीज समझ में आ गई सर, मैकेनिकल एडवांटेज, अगर हम इस वेट, पहले क्या था हमारा मैकेनिकल एडवांटेज, अगर हम इस वेट को कंसिडर नहीं कर रहे थे उस केस में, मैकेनिकल एडवांटेज वॉज एन. ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज हमारा एन आ रहा था, और जब जैसे ही हमने इसका पर्टिकुलर वेट कंसीडर कर लिया था, हमारा मैकेनिकल एडवांटेज कम हो गया है. आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि एन में से कुछ वैल्यू घटाना है हमें, एन में से कुछ वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करना है. तो सिंपल सी बात है, जब वैल्यू सब्सट्रैक्ट करते किसी वैल्यू से तो कम होगा. मतलब लेट अस कंसीडर इफ दिस इज 4, इफ दिस इज 4, यहाँ पर अगर हम कुछ लिखते हैं तो 4 माइनस समथिंग, 4 माइनस समथिंग मतलब 4 से कम रहेगा. सिंपल सी बात है, 4 से कम रहेगा. तो एक चीज हमें समझ में आता है कि सर इफ यू कंसीडर, एक चीज हमें क्लियर हो गई सर, इफ यू कंसीडर वेट ऑफ द लोअर ब्लॉक सिस्टम, मैकेनिकल एडवांटेज डिक्रीजेस ऑफ दैट पर्टिकुलर सिस्टम. मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? डिक्रीज होता है. ये तो चीजें क्लियर हो गया, मैकेनिकल एडवांटेज डिक्रीजेस एज वी कंसीडर द वेट ऑफ द लोअर ब्लॉक सिस्टम इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ पुली सिस्टम. अब सर वेलोसिटी रेशियो पे क्या फर्क पड़ता है? तो वेलोसिटी रेशियो बेटा चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी रेशियो चेंज नहीं होगा. क्यों नहीं होगा ये समझते हैं. चलो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं एफिशिएंसी का. एफिशिएंसी क्या था? मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो. क्या ये फॉर्मूला था? मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो अपॉन, क्लियर है? क्या था मैकेनिकल एडवांटेज? क्या क्या एन माइनस, सॉरी हम तो एफिशिएंसी के बारे में चले गए. जो वेलोसिटी रेशियो है, वेलोसिटी रेशियो चेंज नहीं होता, इट इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, वो डायरेक्ट है. क्योंकि यहां पे वेलोसिटी रेशियो चेंज क्यों नहीं होगा? रीजन क्या है? बिकॉज वेलोसिटी को वेट से क्या करना है? वेलोसिटी रेशियो तो इज रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय द एफर्ट अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लोड. इट इज अ रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय द एफर्ट अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लोड. इसका अगर वेट बढ़ा दोगे तो क्या डिस्टेंस कम ट्रेवल करेगा? नहीं, वेट बढ़ा दोगे तो डिस्टेंस थोड़ी कम ट्रैवल करेगा. डिस्टेंस तो स्ट्रिंग पे डिपेंड करता है, स्ट्रिंग जितना लंबा है उतना तो ट्रैवल करेगा ही करेगा. तो अब वेट घटा दो या वेट बढ़ा दो, उसे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अब हम बात करते हैं एफिशिएंसी पे क्या फर्क पड़ेगा हमारे. ठीक है, एफिशिएंसी क्या होता है? मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो. मैकेनिकल एडवांटेज क्या है? एन माइनस डब्ल्यू अपॉन ई अपॉन वेलोसिटी रेशियो इज एन. यस और नो? वेलोसिटी रेशियो इज एन. अब हम इसे डिवाइड करते हैं, इसे सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में लिखते हैं, एन माइनस डब्ल्यू अपॉन ई डिवाइडेड बाय एन. मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा, एन माइनस डब्ल्यू अपॉन ई इंटू वन अपॉन एन. ऐसा ही होगा. मतलब क्या करना है? एन से मल्टीप्लाई करना है, एन से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे आप तो क्या बनेगा? अब लेफ्ट हैंड साइड को मिटा रहे हैं, लेफ्ट सेक्शन को हम रब कर रहे हैं. जब हम एन से मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन करते हैं और एन से मल्टीप्लाई करते हैं, एन से इस पर्टिकुलर टर्म को, फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? एफिशिएंसी इक्वल टू एन अपॉन एन माइनस डब्ल्यू अपॉन ई को एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा डब्ल्यू अपॉन एन और ई. कुछ इस तरीके से बनेगा आपका इक्वेशन. एन से एन कैंसिल आउट हो जाएगा तो एफिशिएंसी इक्वल टू वन माइनस डब्ल्यू अपॉन एनी. फर्स्ट केस में क्या आ रहा था? एफिशिएंसी 100% आ रहा था. मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो वाज एनएन, तो 100% आ रहा था. तो देखिए अब क्या हुआ, 100% से कम, मतलब 100 मतलब 1, 1 से सबस्ट्रैक्ट करेगा तो सिंपल से होते 1 से कुछ ना कुछ वैल्यू कम आएगी. इसका मतलब एक चीज हमें समझ में आया,
whenever we consider the weight of the lower block system, whenever we consider the weight of the lower block system, mechanical advantage decreases, efficiency decreases, velocity will remain same, but mechanical advantage and efficiency of that particular block and tackle system will decreases. ये बहुत important point है, तो यहाँ पे हम बनाते concept, यहाँ पे लिख लेते हैं. As we consider weight of a lower block system, आप full form में लिखोगे आप lower block system, ठीक है. As we consider the weight of the lower block system, first mechanical advantage decreases, second efficiency decreases, third velocity ratio remains same. velocity ratio क्या होता है? velocity ratio हमेशा same रहता है. तो velocity ratio को weight of the block and tackle system से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसका increment करो या decrement करो, the answer will be always same. क्लियर है यहां तक? है ना? तो आप सबको क्लियर होगा कि ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से इसका कैलकुलेशन किया जाता है एंड व्हाट इज द पैटर्न. ओके, सबसे चीज याद रखने वाली है ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में, व्हाट इज द अरेंजमेंट. अरेंजमेंट ऑफ द सर लोअर ब्लॉक सिस्टम में कैन बी इक्वल टू द अपर ब्लॉक सिस्टम. नंबर ऑफ पुलिस इन लोअर ब्लॉक सिस्टम कैन बी इक्वल टू द नंबर ऑफ पुलिस इन अपर ब्लॉक सिस्टम और इट कैन बी वन लेस देन द अपर वन. मतलब यहाँ पे अगर दो है तो यहाँ पे तीन हो सकती है, अपर ब्लॉक में थ्री है तो यहाँ पे टू रहेगा, अपर ब्लॉक में फोर है तो यहाँ पे थ्री हो सकता है. ठीक है, मतलब ज्यादा से ज्यादा इक्वल हो सकता है, फिर इक्वल से एक कम होना चाहिए, दो भी कम नहीं चाहिए ना ही एक ज्यादा चाहिए. ठीक है, तो जो लोअर ब्लॉक सिस्टम है वो एक इक्वल हो सकता है अपर ब्लॉक सिस्टम से, या फिर सर मैक्स टू मैक्स एक कम हो सकता है अपर ब्लॉक सिस्टम से. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना है. व्हाट इज मैकेनिकल एडवांटेज? अगर हम वेट को कंसीडर नहीं करते, वेट को मैक्सिमम टाइम कंसीडर नहीं किया जाता है, इट वाज अ स्पेशल एक्सप्लेनेशन या फिर स्पेशल आप कह सकते कंसेप्ट है. तो वेट को लोअर ब्लॉक ऑफ सिस्टम को जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना हो तब तक आप इस्तेमाल आप कंसीडर करोगे कि वेट ऑफ लोअर ब्लॉक सिस्टम इज नेग्लिजिबल एज ऑल्सो अपर ब्लॉक सिस्टम का भी वेट नेग्लिजिबल है. मतलब हम किसी वेट का कंसिडरेशन नहीं करेंगे, हम विदाउट वेट सॉल्व करेंगे. ये कब होगा? जब क्वेश्चन में नहीं दिया है तो. ठीक है, अगर क्वेश्चन में गिवन है कि वेट कंसीडर कीजिए तो आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे. अगर वेट कंसीडर नहीं कहा है, मतलब कुछ भी नहीं कहा है, तो आप ऑलवेज नेग्लिजिबल ही कंसीडर करोगे. एंड फॉर ये न्यू एग्जांपल इट विल बी नेग्लिजिबल स्टिल. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हो सकता है कि क्वेश्चन बन जाए. क्वेश्चन इसलिए बन सकता है यहाँ पे बिकॉज जैसे कि हमने देखा है कि हमारा सिलेबस बहुत ज़्यादा कटल हुआ है, तो कटल होने की वजह से इस केस में जो न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल की जो पर्टिकुलर पैटर्न है या फिर जो सेक्शन है वो बहुत कम हो चुका है. अब सेक्शन अगर कम हो चुका है न्यूमेरिकल का, तो उनके पास बहुत कम एरिया बचता है जहाँ से वो न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं. तो वी शुड बी रेडी विथ ईच एंड एवरी पैटर्न ऑल्सो. ओके, सो दिस इज वन ऑफ द पैटर्न जहाँ पे वेट को कंसिडर की करके हम इस पर्टिकुलर मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो निकाल सकते हैं. तो फॉर्मूला को लर्न करना ज़रूरी है. ठीक है, when considered, when weight is considered of the lower block system. Okay, जो भी आपका weight given रहेगा आपके question में बना हुआ रहेगा weight. ठीक है, ये चीज़ें clear है? Okay. इस सिस्टम को क्या कहते हैं हम? ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम. ब्लॉक एंड टैकल क्यों कहते हैं? क्योंकि ऊपर का जो सेक्शन है वो ब्लॉक्ड है, नीचे का सेक्शन मूवेबल है. ठीक है, तो नीचे का सेक्शन मूवेबल होता है, ऊपर का सेक्शन ब्लॉक्ड होता है, इसलिए इसे ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम कहा जाता है. ओके, इसमें आप जब केसेस पढ़ोगे तो यू विल सी फोर पुली सिस्टम या फिर आप कह सकते हो फाइव पुली सिस्टम, जहाँ पे आपको तीन पुली सिस्टम ऊपर दिखाई देगी और दो पुली सिस्टम नीचे. ठीक है, 3/2 का कॉम्बिनेशन मिलेगा वो फाइव पुली सिस्टम रहेगा, और आपको 2/2 का मिलेगा दैट विल बी फोर. इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा. ठीक है, सिक्स और फोर के कॉम्बिनेशन में नहीं जाएंगे बिकॉज बहुत ज़्यादा टीडियस हो जाता है कि ऊपर में चार लगा दे और नीचे में तीन, तो बहुत सात पुली बन जाएगा. ठीक है, और फोर एंड फोर का तो कॉम्बिनेशन नहीं बनाएगा, तो मैक्सिमम आपका जो रेंज रहेगा दैट विल बी 2:2 रेशियो या फिर 3:2 रेशियो. मतलब ऊपर में तीन पुली, ठीक है, ऊपर में आपको मिल सकता है तीन पुली सिस्टम और नीचे में आपको मिल सकता है दो. ठीक है, या फिर 3/3 हो सकता है.
कैन बी 3/3 और 3/2, एनी टू कॉम्बिनेशन आपको इस्तेमाल होगा। क्लियर है? होप सो आई एम क्लियर विथ योर दिस कंसेप्ट। और यहाँ पे हम वाइंड अप करते हैं मशीन चैप्टर। दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ मशीन चैप्टर, जहाँ पे हम मशीन चैप्टर को खत्म करते हैं। इसका जो नया चैप्टर हम शुरुआत करेंगे, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग वन। If I am not wrong, it will be the reflection of a plane surface, reflection of a plane surface, okay, reflection of a light from a plane surface. तो next video हमारा उसका रहेगा, फिर next class उसी का बनेगा, okay? So this is all from my side and thank you. If you have any doubt, you can ask me. Feel free to ask. Okay, thank you.